आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह उर्फ झाबो सिंह है, हम 7 नंबर के वार्ड के प्रत्याशी हैं। अगर जनता आपको वोट करती है, जिताती है, क्या प्रमुखता होगी आपको? यही वार्ड का विकास, नाला के सफाई, कूड़ा तूड़ा साफ करवाना, जिनके घर में जल नहीं, नल नहीं है, उनके घर तक पहुंचाना और वगैरह वगैरह। आप कितने सालों से, कितने टर्म से इस चुनाव में आ रहे हैं? हम 4 टर्म से इस चुनाव में हैं। बिना पद पे रहे हुए लोगों का कभी कल्याण या कोई काम किए हैं? बहुत सारे काम किए हैं, कोरोना काल में बहुत गरीबों की सेवा किए हैं, उनके यहाँ घर खाना पीना पहुँचाए हैं। कोरोना काल में उसके अलावा और क्या किए हैं? कमल, ठंडे दिन में कमल तमल के व्यवस्था किए, सबको घर घर पहुँचाए हैं। जनता जानना चाहती है कि इस बार जो आप आए हैं, कौन सा मुद्दा को लेकर के? विकास का मुद्दा, लेकिन आज तक हमारे वार्ड में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। ये वार्ड में आपका चेयरमैन भी है शायद? है। तो निवर्तमान चेयरमैन ने क्या क्या विकास किए हैं आपके वार्ड में, क्या लगता है आपको? विकास तो किए हैं। ऐसे अगर आप जीत जाते हैं तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल को लेकर के क्या क्या काम करेंगे? सारे काम पर ध्यान में रखते हुए जो जो हमसे बन सकेगा वो सारे काम को हम करेंगे। माफ़ी चाहेंगे जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जितने के बाद में सिर्फ झोली नहीं झोला भरने में लग जाते हैं, इस पर क्या विचार रखेंगे? नहीं, हम ऐसे प्रत्याशी नहीं हैं, ये हमारी समाज के जनता को भी पता है कि हर हमेशा हर सुख दुख में उनके साथ हम रहे हुए हैं। इस शराबबंदी में भी शराब और मछली चावल खूब परोसी जा रही है, पूरा प्रलोभन दिया जा रहा है जनता जनार्दन को। जो गरीब तबके लोग हैं शायद प्रलोभन में फंस भी रहे हैं, तो आप कितने को मछली चावल और शराब खिलाएंगे? हम सिर्फ सबके आशीर्वाद को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सरकार ने जो पहली बार जनता के हाथ में दिया है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जी, सभापति और उपसभापति को चुनने के लिए जी, आप भी कहीं ना कहीं वोट करेंगे जी, करेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे ऐसा अवसर देने के लिए? धन्यवाद देंगे सरकार को। अगर आप जीत करके आते हैं तो महिलाओं के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या करेंगे आप? महिला के लिए लड़ेंगे, उनके सम्मान के लिए हम हर हमेशा उनके पीछे पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रत्याशी कई लाख खर्च करते हैं, आप कितना कर रहे हैं? हम जो सरकार का गाइडलाइन है उसी पे हम अपने 7 नंबर वार्ड के जनता से ये आग्रह करते हैं, एक बार हमें मौका दें और जिता के लाए, उसके बाद उनके अति विश्वास पे खड़े उतरेंगे। मेरा नाम युवराज सिंह राठौर हुआ और मैं नेहरू कॉलोनी का निवासी हूँ जो वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत आता है, और इस वार्ड से हमारे पापा यानी कि मिस्टर रजनीश कुमार सिंह और झाबो सिंह जी खड़े हुए हैं। और जहाँ हालांकि जैसे सबको जानते हैं कि हर बार किसी और ने सीट प्राप्त की है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा को एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि सभी ने देखा कि क्या काम हुए हैं मोहल्ले में, क्या वार्ड में हुए नहीं हुए हैं। अब हालांकि जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अब कल क्या होगा नहीं होगा किसी ने नहीं देखा है, कि हर कोई बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी ने बोल के भी ऐसा काम कुछ नहीं किया है। तो एक बार अगर उन्हीं को मौका दे रहे तो एक बार हमें भी मौका दे के देखें। नहीं देखिए, किसी को मौका देने से आपका ना ही कुछ नुकसान हो रहा है, ना ही किसी का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप सही आदमी को चुनेंगे तो आपका अवश्य फ़ायदा होगा, इसका हम फुल गारंटी देते हैं। लेकिन हाँ, और जहाँ तक कि काफ़ी लोग किसी से नहीं बोल पाते कि हमारी ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, जैसे युवा सब नए जैसे हुए, अगर जैसे मैं खुद वोट दे रहा हूँ इस बार अपने पापा को, तो ऑब्वियसली बात है कि पापा को ही दूंगा, लेकिन खुद वोट दे रहा हूँ, तो जितने भी मेरे एज के या फिर हमसे कुछ बड़े एज के हैं, वो अगर कोई प्रॉब्लम उनके घर के आसपास या फिर किसी चीज़ में होता है, कचड़े में हुआ, कचड़ा साफ नहीं हो रहा, या पोल पर लाइट प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो मेरे पापा से नहीं खुल सकते हैं तो हमसे अवश्य खुल सकते हैं वो, और हमसे अगर खुल के वो बोलेंगे तो फिर ऑब्वियसली हम अपने पापा को बोलेंगे ही, और अगर मेरे पापा वार्ड पार्षद बनते हैं तो वो काम करवाएंगे ही करवाएंगे, इसका हम फुल तरीके से बोलते हैं। यार मौका दीजिए, आपका काम भी होगा, आपको निराश का मौका कभी नहीं मिलेगा कि निराश कभी नहीं होइएगा,
और इतना तो बोल देते हैं कि एक बार हमें मौका देके देखिए हमारे पापा को यानी कि रजनीश कुमार सिंह जी और झाबो सिंह जी को वार्ड नंबर 7 से, और फिर देखिए अगर आपका काम नहीं होता है तो ये जनता के हाथ में है कि वो आदमी वो प्रत्याशी चुन सकते हैं और वो हटा भी सकते हैं। आप पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ, ये हम पहली बार वोट कर रहे हैं। कैसा लगेगा वोट करके आपको? ये तो नहीं पता, लेकिन काफी घर से गार्जियन से भी जाने कि नहीं थोड़ा सा वो होता है। फर्स्ट टाइम वोट दिया जा रहा है, नियम कानून लागू कर दिया है कि इस बार आप अपने खुद से चेयरमैन का पद चुन सकते हैं, वाइस चेयरमैन का चुन सकते हैं और वार्ड को भी चुन सकते हैं आप। पहला हुआ करता था क्या कि अगर चेयरमैन क्या करते थे ना कि जो सही बात है कि वो वार्ड के जो भी मेंबर थे उनको कैसे भी खिला पिला के, बाकी तो आप समझ ही रहे, खिला पिला के वो अपने तरफ करके वो चेयरमैन का सीट ले लेते थे या वाइस चेयरमैन का सीट ले लेते थे। लेकिन इस बार पब्लिक वोट कर रही है तो इस बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें चांस नहीं भी मिल सकता, मिल भी सकता है तो वो जितना भी चाहेंगे, यही आज ही प्रूफ होगा ना, आने वाले अगले महीने के 9 तारीख को ये प्रूफ हो जाएगा वोटिंग टाइम में कि कितने पब्लिक आपको रियलिटी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि 26 वार्ड है, एक दो वार्ड नहीं है, 26 वार्ड के पब्लिक को कन्वेंस करके अपनी तरफ करना ये नॉर्मल सी बात नहीं है। आम आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? आम आवाम को यही कहना चाहेंगे कि सही व्यक्ति को चुने जो कि आपका काम करे, आपकी बात सुने, आपके वार्ड में या फिर आपके नगर परिषद में सही प्रकार से सही तरह से सभी काम अच्छे से हो जाए, जो कि फिर किसी को कोई तकलीफ उससे ना हो, और सही व्यक्ति को चुने।